आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो निकाय चुनाव का चक्रव्यूह कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से भेज चुकी है। जी हां, नगर निकाय के जितने भी 17 मेयर की सीटें हैं उस पर भाजपा अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो नगर पालिका की जो 199 सीटें थी उसमें भी भाजपा कहीं ना कहीं लगातार बढ़त कायम किए हुए है। लगातार तमाम सीटों के रुझान भी सामने आ चुके हैं और तमाम सीटों पर कहीं भाजपा तो कहीं सपा ने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो शहर की सरकार आखिरकार जनता ने चुन ली है और अभी भी कई जगहों के नतीजे फिलहाल आना बाकी है। लेकिन अगर हम 17 मेयर की सीटों पर बात करें तो ये 17 ही मेयर सीटों पर कहीं पर भाजपा ने अपनी लगातार बढ़त बनाई हुई है, तो कहीं ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। तो हां, आज निकाय चुनाव का नतीजा घोषित हो चुका है और लोगों ने शहर की सरकार को चुन लिया है, क्योंकि 5 साल के बाद जब जनता को ये मौका मिला तो जनता ने विकास को ही सर्वोपरि रखा और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को ही मतदान दिया था। यही वजह है कि लगातार जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुकराली से निर्दलीय उम्मीदवार रजनीत कश्यप भी विजयी घोषित हुए हैं। तो नगर पालिका की 199 सीटें थी जिनमें तकरीबन आधे से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। कई सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं तो आज सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी थी। और वहीं अगर लखनऊ की मेयर सीट की बात करें तो यहां पर सुषमा खरकवाल तकरीबन 90,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना चुकी हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब से जो महज कुछ ही देरों में जो नतीजे आएंगे उसमें भी सुषमा खरकवाल को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतगणना है वो जारी है। तो तमाम कई जनपदों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। तो सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हैं। बिल्कुल आशुतोष, सुल्तानपुर में कहीं ना कहीं भाजपा और सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। सपा की जो रुझान आए थे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था एग्जिट पोल में कि सपा है उसको ज्यादा जीत मिलेगी, लेकिन जो अभी की मौजूदा रुझान है सुल्तानपुर के वो आप बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो अभी मौजूदा का और तीसरी बात आपको बता दें, सपा जो है पीछे चल रही है और सपा बहुत ही जो है कम स्पीड में जो है वो आगे बढ़ पा रही है और बहुत ज्यादा उनका जो है कुछ वोट की गिनत बिल्कुल नहीं देखने मिल रही है। जी ठीक है, अभी तक कौन कौन से क्षेत्र या यू का है कि कौन कौन से वार्ड के नतीजे जो है वो घोषित हो चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी तक जो है 13 वार्डो का जो है आ चुका है, जिसमें से जो है 5 निर्दलीय है, बाकी जो है अन्य सभासद का आया हुआ है। 4 भाजपा पर है, 1 आप पे है और 1 कांग्रेस पर है, 1 सपा पर है। ये 3 लोग का अभी तक फाइनल हो चुका है। बिल्कुल, तो अभी और ऐसे कौन से वार्ड है जहाँ के नतीजे आना बाकी है? जी बिल्कुल, बता रहे अभी इसमें से जो है कुछ वार्ड बाकी हैं जो अभी नतीजे रुके हुए हैं और वो भी चल रहे हैं। जहाँ तक लगभग 5 बजे से या 4 बजे के बीच में हो सकता है फाइनल हो जाना चाहिए को लेकर। अच्छा, भी आपने जिक्र किया कि कहीं ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सपा जो है वो बहुत ही धीमे धीमे लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट का मार्जिन है वो कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आपने ये भी जिक्र किया कि 4 से 5 बजे तक पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो क्या ये जो महज 2 घंटे का समय है इसमें सपा जो है वो पूरे वोट अपने कवर कर सकती है, कुछ उम्मीद लग रही है आपको ऐसी? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जहाँ तक हमको ये उम्मीद लग रहा है सपा जो है आगे बढ़ने की बढ़ोतरी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ का जो कैंडिडेट प्रत्याशी इस समय जो उतारा गया था उनकी जो है छवि को लेकर जो है अगर बात करें जनता की जो छवि आ रही थी वो खास तो दिख नहीं रही थी, उसी के नतीजे को देखते हुए इनका जो है कुछ बढ़ोतरी दिख नहीं रहा है। और रही बात जो है यहाँ से जो है कांग्रेस से वरुण मिश्रा है उनकी छवि को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और टक्कर के बीच में जो है भाजपा और कांग्रेस की टक्कर की देखने मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेकिन जो निर्दलीय है वो भी समीकरण बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान सामने आए हैं उनमें। जी बिल्कुल, आपको बता रहे जनता है होशियार, जनता जो है मुद्दों को लेकर यही वोट करती है। अब इस बार जो है मुद्दे पे खास मुद्दा ही चला है, मुद्दे पे ही जो है अपना वो प्रत्याशी चुने हैं उसी को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब तो नतीजे भी कहीं ना कहीं घोषित होना शुरू हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि जो 2017 के विजय प्रत्याशी थे वो 2023 में किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा था? जी बिल्कुल, बता रहे हैं यहाँ से भाजपा के जो है प्रत्याशी इससे पहले जो है 2 बार जो है रह चुके हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, ये 3री बार जो है उनको बहुमत मिलने जा रही है, लेकिन
कुछ ना कुछ जनता का भी विश्वास लेके उन्होंने चला है। और उसी के साथ अगर बात करते चले तो 2024 में भी जो है चुनाव आने हैं, उसी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब जो 3 से 4 जो बाकी क्षेत्र है या वार्ड है वहां के नतीजे क्या कुछ रहेंगे। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी विभांशु मौजूद है। विभांशु, लखनऊ के कार्यालय में भाजपा के कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सड़क बनाए हुए हैं और आप तस्वीरों में देख रही हैं कि बीजेपी का प्रदेश दफ्तर है, जहां कहीं ना कहीं तमाम जो कार्यकर्ता है और वो पूरे जश्न के माहौल में यहाँ घुसे हुए हैं, ताकि अपनी सारे जो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उनमें 17 मेयर की सीटों पर भाजपा काबिज हो चुकी है, यानी कि जो सपा है वो सभी 17 सीटों पर अपनी जीत बना चुकी है। तो आपको बता दे चले कि जो मुकाबला था वो बेहद दिलचस्प था, कई ऐसी सीटें थी जहां भाजपा सपा की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इन सभी 17 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली है। दरअसल 2017 के अगर आंकड़ों पर हम एक नजर डालें तो 16 सीटों में से 14 सीटें तो भाजपा के खेमे में आई थी, भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। ठीक है, तो लगातार विभांशु ने अब तक तस्वीरें पहुंचवाई कि किस तरीके से भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। विभांशु, हम जश्न के माहौल की तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त कौन कौन से दिग्गज नेता बीजेपी के वहां मौजूद है, या ये जश्न की शुरुआत आखिर कितने बजे से होगी? विभांशु, हमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, आप थोड़ा दूर होकर के हमारे दर्शकों तक वो सभी तस्वीरें दिखाएं, साथ ही साथ वहां का क्या माहौल है वो बताने का प्रयास करें। विभांशु, आपने अब तक तस्वीरें पहुंचवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 17 के 17 मेयर सीटें भाजपा के खेमे में आएंगी तो ये भाजपा की कहीं ना कहीं प्रचंड जीत है, क्योंकि इन सभी 17 सीटों पर मेयर की भाजपा क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, यानी कि भाजपा के सभी मेयर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शाहजहांपुर में कांटे की टक्कर हो, लखनऊ में कांटे की टक्कर हो, लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, एक बड़ा फुल स्टॉप लगाते हुए भाजपा ने जीत दर्ज की है सभी 17 सीटों पर। यही वजह है कि भाजपा के इस वक्त प्रदेश कार्यालय पर जमकर जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ने 2017 से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि 2030 में सभी 17 की 17 सीटें भाजपा के खेमे में गई और लगातार अब कार्यालय पर जश्न का माहौल, प्रचंड जीत सभी प्रत्याशियों ने दर्ज की है। जी हाँ, जो सभी प्रत्याशी है वो 50,000 के ज्यादा मार्जिन से कहीं ना कहीं जीते हैं, तो वही सुषमा खरकवाल 90,000 से ज्यादा के वोटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो आपको ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि नगर निगम की 17 ही 17 सीटों पर भाजपा काबिज हुई है, यानी कि 17 ही सीटों पर जो भगवा है वो लहराता हुआ दिखाई दिया है, और एक बार फिर से भगवा की रफ्तार देखने को मिली है। यानी कि अगर इन 17 नगर निगम की सीटों पर बात करें तो सपा की साइकिल पूरी तरीके से पंचर हो गई है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर के लखनऊ तक,
हर एक जगह पर भाजपा ने सभी तमाम पार्टियों को क्लीन स्वीप करते हुए सभी मेयर की सीटें अपने खेमे में ला ली हैं। सभी सीटों पर अपना जीत का परचम लहरा दिया है। तो चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, चाहे वो मध्यांचल ही क्यों ना हो, इन सभी जगहों पर भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्योंकि 2017 में महज 14 सीटें ही भाजपा जीत सकी थी, जबकि 2 सीटें बसपा के खेमे में गई थी। लेकिन इस बार भाजपा ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए सभी सीटों पर फतह हासिल की है। तो लगातार प्राइम टीवी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वही एक बड़ी खबर है उपचुनाव से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के साथ आज उपचुनाव के नतीजे भी घोषित होने हैं, जहां 96 विधानसभा सीट से रिंकी कौल ने जीत दर्ज की है। जी हां, रिंकी कौल ने 96 की सीट से अपनी जीत दर्ज की है। अपना दल इसके प्रत्याशी की बड़ी जीत मानी जा रही है। तो ये बड़ी जीत है गठबंधन के प्रत्याशी की। जी हां, अपने दल के प्रत्याशी ने 96 की विधानसभा उपचुनाव सीट में जीत दर्ज की है। तो उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार आप तक पहुंचाते, जहां स्वार के बाद अब 96 विधानसभा से रिंकी कौल ने जीत दर्ज की है। अपना दल की प्रत्याशी है रिंकी कौल। तो अपना दल के प्रत्याशी की ये बड़ी जीत देखने को मिली है। आपको बताते चले कि स्वार और 96 में 10 मई को जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। वहीं दोनों ही सीट पर अपना दल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो आपको बताते चले कि जो एक तरफ नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब जो स्वार और 96 के उपचुनाव हुए थे उसके भी नतीजे अब घोषित हो चुके हैं, जहां स्वार में अपना दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं अब 96 के भी नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां 96 में अपना दल के गठबंधन प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो इन दोनों ही सीटों पर भाजपा के जो गठबंधन प्रत्याशी अपना दल है उसने जीत दर्ज की है। यानी कि अनुप्रिया पटेल इस अग्नि परीक्षा में पास हो गई है, क्योंकि ये सवाल लगातार बना हुआ था कि क्या वाकई में अनुप्रिया पटेल इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि 96 और स्वार दोनों ही सीटों पर अपना दल के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन अगर नगर निकाय चुनाव का रुख करें तो लगातार यहां पर अभी जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। यही वजह है कि जो नतीजे हैं वो देर शाम तक सामने आते रहेंगे। लेकिन नगर निगम के जो नतीजे हैं वो अब सामने आ चुके हैं पूरी तरीके से। आपको बताते चले कि सभी 17 नगर निगम भाजपा के खेमे में आई थी। तो भाजपा ने अपना ही 2017 का रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ दिया है, और इन सभी 17 नगर निगम की सीटों पर कमल एक बार फिर से खिल चुका है। यानी कि सभी सीटों पर भगवा पूरी तरीके से लहरा रहा है। तो योगी के बुलडोजर का जादू कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो एक बार फिर से विभांशु भाजपा कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभांशु, लगातार जो जश्न की तस्वीरें हैं वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, अभी क्या कुछ माहौल है भाजपा कार्यालय के बाहर? तो हम विभांशु से दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाजपा ने अपना ही 2017 का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया, और 2023 में एक प्रचंड जीत इस शहर की सरकार में हासिल की है। तो जनता ने अपनी आखिरकार शहर की सरकार को चुन लिया है, और यही वजह है कि ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, और तमाम पार्टियां जनता की नब्ज को भांपने का प्रयास कर रही थी। तो एक बार फिर से विभांशु हमारे साथ जुड़े, विभांशु की अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विभांशु, जश्न होना तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि भाजपा ने अपने ही 2017 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कार्यालय के बाहर? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, जहां आप देख रही हैं कि धीरे धीरे कार्यकर्ताओं करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साफ तौर से इनके चेहरों पे आप मुस्कान से समझ पा रही होंगे कि प्रदेश के अंदर में जो 17 नगर निगम की सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। साथ ही बात करें तो इस बार के चुनाव में खास ये था कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बन के तैयार हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग माने तो जीत मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अर्चना वर्मा चुनावी मैदान में थी, यहां तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कितनी इनके आज के इस बेहतर प्रदर्शन पर कितना इनके अंदर उत्साह है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, अपना नाम बताएं। फरीद एजाज अंसारी।
फरीद, हमें ये बताएं कि आज आपकी पार्टी बीजेपी कहीं ना कहीं 17 नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका नगर पंचायत में एक बेहतर प्रदर्शन की है, कितनी तस्वीर बदलेगी इस रिजल्ट से 2024 को? ये योगी जी और मोदी जी का काम बोलता है, उनके काम से जनता खुश होकर और जनता उनके साथ दिया है और इसीलिए हम सभी नगर निगम में भारी बहुमत के साथ विजय हुए हैं। हमारे काफ़ी संख्या में पार्षद, जिला पंचायत, नगर महापालिका परिषद के चेयरमैन और तमिल लोग, भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल करी है और सुहार सीट से शफीक अहमद अंसारी जी भी सदन में चुनकर आ गए हैं। एक बहुत बड़ी वो लड़ाई थी, वो हम लोगों ने जीत लिया, इसलिए ये साबित कर दिया जनता ने कि हम मोदी जी और योगी जी के साथ हैं। आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हैं? मुन्ना कुरैशी, लखनऊ टेढ़ी पुलिया। अच्छा मुन्ना जी, आमतौर पर विपक्षी दल अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को लेकर हमेशा कटाक्ष करता है और कहता है कि बीजेपी में मुसलमानों का हक नहीं है। नहीं, क्या नहीं, मुसलमानों का हक बराबर दे रहा है भैया। अगर एक कुंटल राशन है तो 60 किलो मुसलमान को और 40 किलो दे रहा है। अल्पसंख्यक समाज अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों से कितना खुश है? हम बहुत खुश हैं भैया, हमको बहुत भरोसा, बहुत खुश है। हमारा हमनवा जो है, जिसको हम दुश्मन समझते थे, वही हमारा हमनवा है। आज अल्पसंख्यक इसीलिए खुल कर जो है एकदम सामने मोदी जी के और योगी जी के, मोहम्मद आवेश नाम है हमारा, हम लखनऊ से हैं। आज इसीलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के हर चेहरे पर देखिए खुशी का माहौल है। जो दहशत में जिंदगी जी रहा था, आप एकदम निडर होकर एकदम मुसलमान खुशी की जिंदगी जी रहा, और आने वाले 24 को मोदी जी को पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजयी करके अल्पसंख्यक मोर्चा कह रहा था कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद मुस्लिम समाज के अंदर एक आक्रोश रहेगा वोटिंग के दौरान। बता दें, अगर देखा जाए, सच बात पूछे तो जो उलमा बैठे हैं उनसे पूछो, देखा जाए तो शरीयत का कानून बीजेपी सरकार चला रही, खून का बदला खून, शरीयत में लिखा खून का बदला खून। अतीक अहमद भी लोगों का खून किए थे, इसलिए उनका कत्ल हुआ, उसमें कोई अल्पसंख्यक मोर्चा का कोई वो नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा खुश एकदम जी। तो साफ तौर से यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मेहनत किए नगर निकाय चुनाव में, जिसका नतीजा है कि बीजेपी को एक बेहतर रिजल्ट मिला है। हम आपसे भी बात करेंगे, आप अपना नाम? रामराज यादव, मैं गोमती नगर से हूँ। अच्छा, गोमती नगर से हैं। अगर बात की जाए तो आज एक ऐतिहासिक रिजल्ट आया है जिसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली है, कितनी उत्सुकता थी इस रिजल्ट को? इस रिजल्ट को लेकर के उत्सुकता तभी से शुरुआत हो गई थी जब धारा 370 मोदी योगी जी ने हटाया, सरकार ने राम मंदिर बनाया, हिंदुत्व का विचारधारा का ध्यान दिया। दूसरा ये है कि कानून व्यवस्था ठीक किया। ऐसी सरकार, ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे? इतने बढ़िया नेता आ गए देश में, अब कोई सरकार नहीं बन पाएगी किसी की, केवल भाजपा की ही विजय होगी, सब इन्हीं को वोट देंगे, काम इनका बोलता है जी। तो साफ तौर से यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 4 बजे तक सूबे के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ एक विजय आज की मिली जीत पर एक जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों में देख रही हैं कि यहाँ अलग अलग समाज से लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ढोल नगाड़े भी यहाँ सजा दिए गए हैं, फूल माला का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कार्यालय को साफ तौर से कहीं ना कहीं देर शाम तक देखेंगे कि एक यहां जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। साफ तौर से कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी की तरफ से लगातार, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो या दोनों डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट के मंत्री हो, वो लगातार प्रदेश के 75 जिलों में जाकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों की बखान करते आए हैं और जिसका नतीजा है कि आम जनता प्रदेश की बीजेपी पर कहीं ना कहीं अपना विश्वास जताई है। बिल्कुल ठीक है विभांशु, अभी आपने शाहजहांपुर की मेयर सीट का जिक्र किया जहां की जनता ने पहली बार अपना वोट डाला है, लेकिन जिस तरीके से एन मूवमेंट पे सपा की अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल हो गई थी, तो क्या ये समीकरण बिगाड़ने में बिल्कुल कारगर साबित हुआ भाजपा का ये जो फंडा था? जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर बात करें तो शाहजहांपुर की सीट पर पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा था, इससे पहले वो नगर पालिका थी, और बात करें तो वहाँ पहली बार चुनाव हुआ और प्रदेश भर की निगाहें शाहजहांपुर पे थी। और आपको बताएं कि नामांकन के ठीक बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनी गई जो प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की कहीं ना कहीं एक कदम की वजह से शाहजहांपुर से मेयर की प्रत्याशी अर्चना वर्मा भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामते हुए नजर आई। साफ तौर से अगर बात की जाए तो अर्चना वर्मा का आरोप था
कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बेहतर कहीं ना कहीं सहयोग ना होने की वजह से, तालमेल ना होने की वजह से मैं ये पार्टी से अलग होती हूँ और बीजेपी का दामन थामती हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहीं ना कहीं कार्यों से, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं बीजेपी का दामन थाम रही हूं। और आपको बताएं कि अर्चना वर्मा के पार्टी में आने के बाद ही उन्हें शाहजहांपुर से उम्मीदवार बनाया गया था और नतीजों में आपने देखा कि कहीं ना कहीं शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों की बात करें तो लगभग 6 जगहों पर कन्फर्म जीत बीजेपी की हो गई है और एक बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी और भी जो नगर निगम है वहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, विभांशु, ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अतीक अशरफ हत्याकांड का असर इस निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये जो आंकड़े आए हैं ये तो बिल्कुल उसके उलट साबित हुए हैं। जी मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आपने सुना कि अल्पसंख्यक समाज के एक यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो शरीयत के कानून में मौत का बदला मौत लिखा है उसी फार्मूले पर बीजेपी चलते हुए नजर आ रही है, ऐसा बीजेपी के एक कार्यकर्ता का कहना है। साफ तौर से नतीजों में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को नहीं मिला है। और तस्वीरों में एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं, यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विश्वस्त नेता हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको आगे चल के तस्वीरों को दिखाएं कि ठीक सामने प्रदेश का कार्यालय है जहाँ पर मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरों को यहां रखा गया है। ठीक सामने अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों की एक बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है जो यहाँ कार्यालय में मौजूद है। इनका साफ तौर से कहीं ना कहीं इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि आज की जो जीत होगी वो किस तरह से यहाँ तमाम पदाधिकारी बनाएंगे इसको लेकर। ठीक है विभांशु, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था कि जो भी पार्टी जीतेगी कहीं ना कहीं वो एक जनता की नब्ज को भांपने का प्रयास करेगी। ऐसे में अगर भाजपा के खेमे में प्रचंड जीत गई है तो इससे विपक्षी पार्टियां कितना सीख ले सकती हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, वो सक्रियता के साथ लोगों के बीच और वोटर्स को रिझाने में सफल हुए हैं। मगर बात की जाए प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तो आपने देखा कि उनके दल के किसी भी नेता ने लगातार प्रदेश के अंदर में इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया अगर तुलना की जाए भारतीय जनता पार्टी से। अगर बात की जाए तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस चुनाव में महज 5 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री दर्जन से ऊपर सभाओं को संबोधित करते हुए आए। साथ ही साथ आपको बताएं कि पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी ने एक बेहतर कहीं ना कहीं रोडमैप तैयार किया था जिसका नतीजा था कि बीजेपी को एक बहुमत के साथ हर जगह जीत मिलते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको बताएं कि पन्ना प्रमुख हो या पर्चा प्रमुख, सभी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं सबके दायित्व को दायित्व दिए गए थे और उस दायित्व का निर्वहन का नतीजा है कि बीजेपी आज एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि विभांशु, माना जाए कि एक अच्छी रणनीति के तहत ही भाजपा ने अपना पूरा प्लान तैयार किया और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आज भाजपा को एक प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल के अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि विभांशु इस वक्त भाजपा कार्यालय पर मौजूद थे और हमारे सहयोगी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे कि किस तरीके से भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है, जो कार्यकर्ता है वो लगातार पहुंच रहे हैं और अब से महज कुछ ही देरों में यह कहा जा रहा है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम दिग्गज नेता भी 4 बजे भाजपा कार्यालय पर पहुंचेंगे और प्रचंड जीत का जश्न मनाएंगे। और जीत होना भी लाजमी है क्योंकि 2017 के अपने ही रिकॉर्ड को भाजपा तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो वही कानपुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, कानपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी को प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, किस तरीके से तस्वीरें हैं कार्यालय की? अधिकारी घोषणा तो नहीं हुई पर कहीं ना कहीं देखा गया तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रमिला पांडे है वो लगभग देखा जाए तो 67,000 वोटों से आगे चल रही है और देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को जो है मतगणना स्थल के बाहर जो है काफी उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जो है कानपुर रोड शो करने के बाद जो है भाजपा गढ़ में देखा जाए तो सेंध नहीं लगा पाए।
ठीक है उपेंद्र, जो प्रमिला पांडे का जब नाम सामने आया कि उन्हें मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा तो काफी लेट से नाम सामने आया और इसको लेकर पार्टी में काफी खींचतान भी देखने को मिली। अब ऐसे में जब प्रमिला पांडे जीत की ओर अग्रसर है तो तमाम जो भाजपा के नेता है उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या वो इस वक्त मतगणना स्थल के बाहर मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, कानपुर से जो सांसद है सत्यो पचौरी, उनकी जो पत्नी बेटी थी उनको लेकर नाम जो लगातार चला रहा था और जो सत्यो पचौरी सांसद कानपुर थे वो काफी नाराज चल रहे थे प्रमिला पांडे को डिफीट करने के तौर पर देखा जाए कहीं ना कहीं। पर अब अगर देखा जाए तो जो सांसद सत्यो पचौरी है वो मतगणना स्थल पर मौके पर आए भी नहीं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर जो 10 विधानसभा है उसमें 7 विधानसभा जो भाजपा विधायक है उसमें कई विधायक जो है नाराज नजर आए सामने अभी तक। बिल्कुल उपेंद्र, अभी आपने जिक्र किया कि तकरीबन 77,000 आंकड़ों से मतलब 77,000 वोटों से प्रमिला पांडे बढ़त बनाई हुई है, क्या लगता है कि सपा की जो प्रत्याशी है वो इस बढ़त को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश शाम तक हो सकती है? जी बिल्कुल, कहने की बात है कि बहुत कहने को तो उम्मीद बहुत कम है पर डिफरेंट बहुत ज्यादा हो चुका है और इस बार देखा जाए कहीं ना कहीं पिछली बार के पीछे प्रमिला पांडे को इस बार वोट ज्यादा पड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रमिला पांडे का जो तेवर थे दबंग लेडी के तौर पर देखा जाए या अम्मा जी के नाम से उनको फेमस है कानपुर नगर निगम में और देखा जाए तो अपने आप से बुलडोजर का काम खुद लेकर दिए हैं उस तस्वीरों के सोशल मीडिया वायरल चुकी प्रमिला पांडे पर देखा जाए कहीं ना कहीं प्रमिला पांडे अब जो है कानपुर की जो पब्लिक है उन्होंने उनको ताज पहना दिया है और लग रहा है कि पूरी तरीके से जो है प्रमिला पांडे अब कानपुर स्मार्ट सिटी को लेकर के और भी आगे अपडेट करेंगे। यानी कि उपेंद्र क्या माना जाए कि जो जनता है वो 2017 के प्रमिला पांडे के काम से संतुष्ट नजर आई है? जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रमिला पांडे ने कई ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है जिनको कमर्शियल जिनके हाउस टैक्स हो गया मार्केट टैक्स हो उसको बैलेंसिंग को लेकर कई अपडेट किए हैं। राजस्व के माप की अगर बात की जाए तो राजस्व पहले से ज्यादा राजस्व अब की बार जो प्रमिला पांडे कार्यकाल में जो लिया गया है उसको लेकर बात रही विकास कार्य के लेकर के क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार 28 सालों से कानपुर में राज कर रही है और क्योंकि प्रमिला पांडे जो है जिस तरीके से अपना काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एक दबंग लेडी तरीके काम करने का तरीका है क्योंकि वो अधिकारियों से काम लेना उनको आता है किस तरीके से अधिकारी से मुझे काम लेना है। और बात रही कानपुर के पार्षदों की 110 वार्डों में लगभग 90 वार्ड ऐसे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद है वो जीत चुके तक। बिल्कुल धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ जुड़ते हुए पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे भी तकरीबन 77,000 वोटों से बढ़त कायम कर चुकी हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि बस अब कुछ ही समय में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी क्योंकि जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है यानी जो जीत का मार्जिन है वो काफी बढ़ गया है और यही कहा जा रहा है कि अब से महज कुछ ही देर में कानपुर के लिए भी जो प्रत्याशी जो विजय प्रत्याशी है उसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। लेकिन नगर निगम 17 की 17 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो सिद्धार्थनगर से भी हमारे सहयोगी रवि प्रकाश जुड़े हैं। रवि, तकरीबन 3:30 का समय हो चुका है और अब जो तस्वीरें हैं वो 90% तक साफ हो चुकी है, क्या कुछ रुझान है सिद्धार्थनगर के? जी मुस्कान, बताना चाहूंगा सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुई है। यहाँ पर 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत है जिसमें दोनों नगर पालिका में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं पर नगर पंचायत में 3 निर्दल प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, बाकी 6 पर बीजेपी के प्रत्याशी चेयरमैन प्रत्याशी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, 2017 और अगर 2023 की हम बात करें तो कितने इस बार नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे? जहां तक बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने अगले बार की अपेक्षा कुछ और अधिक अपना बढ़त बनाया हुआ है और यहाँ नगर पंचायत का गठन भी 5 नगर पंचायतों का नया गठन हुआ है जिसमें लगभग बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ से विजयी होते हुए, यानी कि 5 ही जो नई नगर पंचायत बनाई गई है वहाँ पर इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बताते चले कि बिस्कोहर में जो नए नगर पंचायत का गठन हुआ है यहाँ से भाजपा प्रत्याशी अजय गुप्ता लगभग जीत के कगार पर है। वहीं पर इटवा नगर पंचायत का भी नया गठन हुआ था, वहां से बीजेपी प्रत्याशी विकास जायसवाल जीत के कगार पर हैं। तो भारत भारी में बीजेपी प्रत्याशी जीत के कगार पर हैं। तो वहीं पर बढ़नी चाफा में भी बीजेपी प्रत्याशी जीत के कगार पर हैं। ये चारों नगर पंचायत का गठन हुआ है जो पहली बार यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं प्रचंड जीत करती हुई नजर आ रही है, तो क्या ऐसे में आपने किसी प्रत्याशी से बात करने का प्रयास किया और अपनी इस जीत पर वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए?
हाँ, प्रत्याशी लगभग अपनी जीत से कहीं ना कहीं बेहद खुश नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका श्रेय वो जनता को दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार और यूपी की सरकार लगातार जनहितकारी कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पंचायतों में बन रही है, जिसका श्रेय सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को जाता है। जी मुक्ता, बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं तो क्या विजय जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है और उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किया, प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? प्रशासन पूरी तरह से जिस तरह से शासन का निर्देश है उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है, पूरी शक्ति के साथ में वो इस तरह से प्रतिबंध लगाने पे लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थक इतने उत्साहित हैं कि अभी देखा जाए चुनाव का परिणाम आया नहीं है लेकिन जीत के आसार बने हुए हैं, ऐसे में पटाखे फोड़ना और सब। बिस्कोहर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर अजय गुप्ता भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर के जो उनके समर्थक हैं वो बेहद ही उत्साहित हैं और जगह जगह पर पटाखे अभी से फोड़े जा रहे हैं और जो इनके गीत थे चुनाव के समय के वो गीत गाए जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी कि जीत का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है, यही वजह है कि आधिकारिक घोषणा होने से पहले जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत के लिए जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। जी जी, समर्थक अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उस विजय को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, विजय के गीत कहीं कहीं चाय की दुकानों पर या पान की दुकानों पर जो चुनाव के समय में उनका चुनाव गीत था अजय गुप्ता का, उस तरह से चुनाव गीत बजाए जा रहे हैं जो बहुत ही साधारण आवाज में, नहीं कि बहुत तेज आवाज में, किसी तरह से जो नियम है उसको ताक पे रख करके सब किया जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, यानी कि नियमों को सारे ध्यान में रखते हुए जो प्रत्याशी है, जो कार्यकर्ता है, वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर हम 2017 के भाजपा की जीत पर नजर डालें और अगर 2023 की जीत पर नजर डालें तो क्या सिद्धार्थनगर में भाजपा ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है या फिर निर्दलीय कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिला? नहीं, भाजपा ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़त बनाई हुई। बात की जाए जो दो नगर पालिका है उनमें से बीजेपी के इस बार दोनों ही प्रत्याशी जीत रहे हैं। अगली बार बासी नगर पालिका से समाजवादी पार्टी से जीत हासिल किए थे तो वहीं पर सिद्धार्थ नगर जो नगर पालिका है वहां से भी अन्य पार्टी ने जीत हासिल की। इस बार दोनों नगर पालिका में बीजेपी का दबदबा है। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर में भी जो कमल है खिलता हुआ नजर आया है, यानी जो भगवा का जादू है वो सिद्धार्थनगर में भी खूब चला है, यही वजह है कि सिद्धार्थनगर की जितनी भी सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आधिकारिक जो घोषणा है वो होना बाकी है लेकिन जो वोट का मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चूंकि नगर पालिका और नगर पंचायत का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से हो रहा था। यही वजह है कि आधिकारिक घोषणा होने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जो नगर निगम की सीटें हैं उस पर जो नतीजे हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। झांसी के साथ ही लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ भी सुषमा खरकवा तकरीबन जीत दर्ज कर चुके हैं, बस आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार जो पार्टी है वो कर रही है, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। तो जो एक तरफ ये कहा जा रहा था कि आगरा में कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है लेकिन भाजपा ने एकाएक अचानक से बढ़त बना ली है, तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, लगातार जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, सुषमा खरकवाल और सपा की प्रत्याशी वंदना मिश्रा के बीच जो वोट डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। इतने कम समय में निकाय चुनाव की घोषणा हुई और निकाय चुनाव हो गया और आज मतगणना भी हो रही, तो देख करके पूरे उत्तर प्रदेश में एक भाजपा का जो भगवा जो लहराया है जिस तरीके से, तो पार्टी ने कोई तो कसर नहीं छोड़ी। अगर लखनऊ मेयर की बात की जाए सुषमा खरकवाल, उन्होंने जीत हासिल कर ली है, आधिकारिक पुष्टि भी होनी बाकी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो दोनों प्रतिद्वंदी नेता बराबर की कांटे की टक्कर रही है। फिलहाल अगर दूसरे राउंड की अगर बात की जाए तो उसमें बीजेपी से जो सुषमा खरकवाल है उन्हें करीब 87,000 वोट रहे, लेकिन अगर आपको बताऊं पूरे उत्तर प्रदेश
क्योंकि 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम में मेयर के जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रितेश, ये कहा जा रहा था कि अतीक अशरफ हत्याकांड का असर देखने को मिलेगा इस नगर निकाय चुनाव में, और लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां प्रचार के दौरान इसको मुद्दा भी बना रही थी, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं वो तो बिल्कुल विपरीत आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का आना भी लाजमी है, क्योंकि अगर और पार्टी अन्य पार्टियों की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, उनके जो मुखिया है उन्होंने कहीं पर रोड शो करने की बात नहीं की, ना कहीं जब सभाएं की, ना अपने प्रत्याशियों के प्रति वो जाकर खड़े हुए, ना कहीं उन्होंने वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी हो जो लगातार घर घर एक एक दरवाजे पर पहुंचते रही, उनके जितने भी कार्यकर्ता है वो चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे मंडल स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर के हो या केंद्रीय स्तर के, जितने भी उनके मंत्री ने बताया, उन्होंने वोट बटोरने के लिए जितनी भी सुविधाएं थी उस पर सभी सुविधाओं को उन्होंने अपनाया। तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो लहर चली भारतीय जनता पार्टी की और ट्रिपल एजेंडे की सरकार बनाने की बात कही जा रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 18 मंडल में लगातार वो चलते रहे और सभी जिलों को लगातार उन्होंने कवर करने की कोशिश की। ठीक है रितेश, पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक और मध्यांचल तक भी जो भाजपा का कमल है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले जो ये जीत है ये किस तरीके से बूस्टर डोज दे रही है बीजेपी को? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो नगर निकाय चुनाव था ये सेमीफाइनल है, अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को तो ये सेमीफाइनल खेला गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है और सभी जगह से उसकी ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बन रही है। इसको देख करके अगर लगता है, और ये पार्टी के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार बन रही है ट्रिपल इंजन की, 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उनको काफी मिलने वाला है, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच था। ठीक है रितेश, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन आपने देखा कि लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्राइम टीवी सुबह 7 बजे से ही एक्टिव है और लगातार हम आपको हर एक चीज की सीधी और सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और जो भी दर्शक इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं वो स्क्रीन को देखकर ये पूरी तरीके समझ जाएंगे कि नगर निगम के जो रुझान है वो क्या है, नगर पालिका की कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है और नगर पंचायत पर किस पार्टी का दबदबा रहा है। प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर हर एक एक अपडेट हम लगातार सुबह से ही जारी कर रहे हैं, तो नगर निगम की सीट बेहद दिलचस्प हो जाती है। यही वजह है कि यहां पर कई मेयर की सीटें ऐसी थी जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन शाहजहांपुर एक ऐसी सीट थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि यहां पर एक रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती थी, क्योंकि जनता पहली बार यहां अपना मेयर चुनने जा रही थी। लेकिन इस सीट पर भी भाजपा की प्रत्याशी अर्चना ने जीत दर्ज कर ली है, तो भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल है और जश्न का माहौल भी होना लाजमी है, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बेहतर प्रदर्शन के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि एक अच्छी रणनीति कहा जाए कि तैयार की गई थी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव की कमान अपने हाथों में संभालते हुए नजर आए। तो सहारनपुर वहां का यह मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था, और सहारनपुर वही क्षेत्र है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत की थी और उस सीट पर भी भाजपा के प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। तो मुकाबला दिलचस्प था, रोमांचक था, और ये कहा जा रहा था कि नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने सभी विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया है तो अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस नतीजों से क्या कुछ संदेश लेंगी। तो बीजेपी ने अयोध्या से गिरीश पदे त्रिपाठी, अलीगढ़ से प्रशांत सिंघल, कानपुर नगर से प्रमिला पांडे, गाजियाबाद से सुनीता दयाल, बरेली से उमेश गौतम, मेरठ से हरिकांत आलूवाली और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया था, और इन सभी सीटों पर भाजपा के यही प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता के दम पर, भाजपा ने अपने काम के दम पर जीत दर्ज की है। तो मथुरा में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हुई है, तो मथुरा के निकाय चुनाव में भी प्रचंड जीत भाजपा को मिली है। मथुरा मेयर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी ने एक प्रचंड जीत दर्ज कराई है, और मथुरा की जो नगर निकाय चुनाव की मेयर सीट थी वो भी अब भाजपा के पक्ष में चली गई है। बीजेपी के विनोद अग्रवाल ने जीत दर्ज किया, तो आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है, मथुरा में नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत हुई है।
तो निकाय चुनाव में बीजेपी की लहर देखने को मिली है। भगवा का जो झंडा है वो लहराता हुआ दिखाई दिया है। ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता है वो जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रदेश कार्यालय पर भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। लगातार जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट भी अब सामने आए हैं। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी दक्षिण भारत कर्नाटक के दौरे से वापस आ गए। अब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए भी मौन तोड़ देते तो अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य है वो अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने इस निकाय चुनाव में हार पर जो वो मौन धारण किए हैं उस पर भी चुप्पी तोड़े। और इसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक ट्वीट भी किया है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। तो कर्नाटक में कांग्रेस को एक प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस कार्यालय पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न का माहौल है और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जमकर थिरकते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस कार्यालय पर लगे जय बजरंग बली के नारे, जी हां, जय बजरंग बली के नारे कांग्रेस कार्यालय पर सुनाई दिए हैं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत देखने को मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी जीत का श्रेय बजरंग बली को दिया है। बजरंग बली का स्वरूप बनाकर कांग्रेसी मना रहे हैं जश्न। तो कांग्रेसी जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए हैं। वही कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। तो उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव से जुड़ी खबर है जहां सौर विधानसभा से शफीक अंसारी की जीत हुई है। जी हां, सौर और छानबे के उपचुनाव के नतीजे भी घोषित हुए हैं, जहां पर सौर विधानसभा सीट पर अपना दल के प्रत्याशी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है और कार्यकर्ता अब ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाते हुए दिखाई दिए। तो अपना दल के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। तो उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि आज यूपी में निकाय चुनाव के साथ ही उपचुनाव के नतीजे भी घोषित होने थे, जहां स्वार और छानबे में आज उपचुनाव के लिए सुबह से ही गिनती जारी थी, जिसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं और इन दोनों ही सीटों पर अपना दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। लेकिन अगर हम नगर निगम की एक बार फिर से बात करें तो 17 की 17 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया है। तो एक बार फिर से जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। जिशान, ताज नगरी आगरा में जश्न का माहौल है, चूंकि बीच में यह कहा जा रहा था कि सपा की जो कैंडिडेट है वो काफी पीछे खिसकती जा रही है, वोट का मार्जिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एकाएक जो नतीजे हैं वो बदल गए। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे से ये मतगणना चल रही है और यहाँ पर सबसे पहला जो राउंड खुला था उसमें बीएसपी की जो महापौर प्रत्याशी हैं लता वाल्मीकि, वो आगे चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब राउंड खुलते गए उसके बाद नजारा एकदम बदल सा गया। उसके बाद अब 19वां राउंड खुला है। 19वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी की हेमलता दिवाकर 50,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अगर बसपा के पार्षदों की अगर हम बात करें तो पहले ही राउंड में जब पहला राउंड खुला था तो एक वार्ड नंबर 1 से बसपा के पार्षद जीतकर निकले थे। उसके बाद से कई पार्षद जीते, फिर उसके बाद से राउंड जितने राउंड खुलते गए उसके बाद स्थिति बदलती गई, फिर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी लगातार जीतते रहे। और अगर हम महापौर की बात करें तो महापौर भी इस 19वें राउंड में 50,000 वोटों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया कि जो पार्षदी का चुनाव है उसमें भी भाजपा, बसपा और कहीं ना कहीं सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो कितनी सीटें ऐसी थी जिस पर भाजपा, सपा और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है? देखिए, बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस की अगर महापौर की बात करें तो महापौर में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और अगर हम बात करें बसपा पार्षदों की तो बसपा पार्षद हमारे साथ मौजूद है, एक बसपा की जो वार्ड नंबर 15 से पार्षद हैं जो जीती हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। किशोर जहां वार्ड नंबर 15 से जीती हैं, क्या कहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमें प्राथमिकता है, हम तो विकास करेंगे क्षेत्र में। हम सब कुछ मेहनत से सड़कें नालियां जो भी हैं वो हम बनवाएंगे। हम लोगों का अच्छी तरीके से हमें प्यार मिला है और हमारे संग सब लोग हैं, हमें बहुत अच्छा उन्होंने सम्मान दिया है। अच्छे से देखा आपने, ये हमारे साथ मौजूद थी जो वार्ड नंबर
15 से बसपा की पार्षद हैं, जीती हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो बसपा के पार्षद हैं उनके अंदर जीत की बाहर है। और लेकिन जो बड़ी बात है कि महापौर जो प्रत्याशी हैं अहमलता दिवाकर, वो कहीं ना कहीं 50,000 वोटों से आगे चल रही हैं, क्योंकि ये 19वां राउंड है, अभी 3 राउंड और बाकी हैं, उसके बाद नतीजे घोषित हो जाएंगे कि महापौर प्रत्याशी कौन जीता है। जी बिल्कुल, यानी कि अब से जिशान महज कुछ ही देरों में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। तो ऐसे में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये यूं कहे कि जो कांग्रेस कार्यालय है उसकी तस्वीरें कैसी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आगरा में नगर निगम के 100 वार्ड हैं और 100 वार्डों में एक ही प्रत्याशी कांग्रेस का जीता है, जो मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने आगरा में खाता खोला है। हालांकि अन्य जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं वोटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत पीछे रहे थे, क्योंकि आगरा में बसपा और बीजेपी की टक्कर रहती है। जी बिल्कुल, तो अभी आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो बसपा है और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये नतीजे सामने आए हैं, ये कहा जा रहा था कि बसपा की प्रत्याशी मेयर बनेंगी, तमाम आप लोगों के बीच भी पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक से ये भाजपा की जिस तरीके से प्रत्याशी ने एक बड़ी बढ़त बना ली है, इसको किस तरीके से देख रही है वहां की जनता? देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमने नगर संग्राम के जरिए कवरेज की थी, जहां पर हमने लोगों से बातचीत भी की थी, तो महापौर के लिए लोगों का साफ तौर से कहना था कि बसपा की महापौर जो है लता वाल्मीकि, उनको हम वोट करेंगे। लेकिन जो शुरुआत के आंकड़े थे, उन आंकड़ों से और जो शुरुआत के राउंड, उसमें तो साफ तौर से कह सकते थे कि बसपा की प्रत्याशी तकरीबन 19वें राउंड में भी 20,000 वोटों से आगे चल रही थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बसपा का मतलब एक तरीके से जीत की ओर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद से जब राउंड खुलने लगे, उसके बाद 18, 15, 16 राउंड खुले, उसके बाद से बीजेपी जो प्रत्याशी है उन राउंडों में वो आगे बढ़ती गई, और अब 19वां राउंड हुआ है, 3 राउंड अभी बाकी है। 19वां राउंड में भी 50,000 वोटों से 3 राउंड और बाकी है, तो क्या 3 राउंड में ये 50,000 का ये जो मार्जिन है ये कवर होने की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 3 राउंड जो बचे हैं, हालांकि बीजेपी जो आगरा में है, आगरा में बीजेपी कार्यालयों पर जश्न का माहौल है, क्योंकि 3 राउंड बाकी हैं, उसमें कह सकते हैं कि कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी जो हेमलता दिवाकर है, वो क्या आशंका ये लगाई जा रही है कि वो जीत जाएंगी। बिल्कुल, धन्यवाद जिशान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो आगरा में है वहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 17 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, महज 3 राउंड और बाकी है आगरा में, जिसके बाद जो आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इन 17 राउंड की बात करें तो भाजपा की प्रत्याशी हेमलता फिलहाल बढ़त बनाई हुई है, 50,000 वोटों से वो आगे चल रही है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि 3 राउंड की वोटिंग बाकी है और इस दौरान भी बड़ा हेर फेर होने की उम्मीद है, क्योंकि बसपा और कहा जाए भाजपा के बीच ताजनगरी आगरा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, क्योंकि 17 और 16 राउंड तक तो बसपा की प्रत्याशी आगे चल रही थी, लेकिन 1-2 राउंड में खेल ऐसा पलटा, समीकरण ऐसे पलटे कि कहीं ना कहीं भाजपा की प्रत्याशी जो है वो 50,000 वोटों से आगे निकल गए। तो ये मार्जिन लंबा है, लेकिन फिलहाल अभी जो 3 राउंड की वोटिंग बाकी है, 3 राउंड की वोटिंग के बाद ही आधिकारिक घोषणा हो पाएगी। तो प्राइम टीवी सीधी और सटीक जानकारी लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।